ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। निरक्षरता अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि विक्रम अपने निरक्षर होने के कारण दुखी और परेशान अपनी किस्मत को कोसता है। उसे लगता है कि इसी अनपढ़ता के कारण गौरी उससे दूर हो गई। तभी ज्ञान और शिक्षा के फरिश्ते के रूप में वहां पहुंचती है रेणुका। रेणुका विक्रम को पढ़ाने का वचन देती है और ज्ञान की पहली किरण पाने के लिए विक्रम रेणुका के घर पहुँचता है। रेणुका उसे पहला पाठ पढ़ाती है और यहाँ से अशिक्षित विक्रम के जीवन में नए बदलाव की शुरुआत होती है। विक्रम मन लगाकर पढ़ाई करता है। रेणुका विक्रम को नौकरी के लिए प्रेरित करती है। सेठ शांतिलाल के यहाँ विक्रम को शांति कंस्ट्रक्शंस के पुराने मैनेजर गिरधर की जगह रख लिया जाता है। रेणुका मजदूरों से मिलकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। मजदूरों में शिक्षा की लहर उमड़ पड़ती है। मजदूर शिक्षित हो चुके हैं। ये शिक्षा का ही प्रताप है कि बिश्ना काका को उसकी अमानत के सारे सबूत मिल जाते हैं। और अब देखें इसके आगे। एक साबुन देना भाई। ये लो। कितना हुआ? 7 रुपया। इस पर तो 6 रुपए 20 पैसे लिखा है। अरे तुम लोग पढ़ने लिखने लग गए क्या? पढ़ने लिखने का मतलब फिर वही हेरा फेरी। अरे इसमें हेरा फेरी क्या? तुम्हें पता है ना आजकल छुट्टे का कितना प्रॉब्लम है। छुट्टे का प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो ना, मैं देता हूँ छुट्टा। ये लो 10 रुपए 25 पैसा है। कितना? 10 रुपए 25 पैसा। 4 रुपए वापिस दे देना। ये लो। अब भी 5 पैसे ज्यादा दे रहा हूँ मैं। आजकल दुनिया वाले बड़े होशियार हो गए हैं। काका। अरे चंदेरी बिटिया, क्या बात है? काका, हम तुम्हें कितना ढूंढत रहे, बस्ती भी गए थे। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ काका, बहुत जरूरी काम था। ई देखो, ई रेणुका दीदी ने तोरे वास्ते भेजी है रामायण। रामायण और हमारे वास्ते? हाँ काका, दीदी बतावत रही ई बहुत अच्छी किताब है, ई भगवान की किताब है। हम जैसे शराबी के लिए रामायण क्यों बिटिया? ये किताब में शराब के बारे में भी लिखा है कि शराब अच्छी ना हो। तू ठीक कहती है बिटिया, हम भी छोड़ना चाहते हैं पर क्या करें, छूटती ही नहीं है। काका, आदमी जो चाहे वो कर सकत है। अब देखो ना, हमो पढ़ना चाहे, हम सीख लिए। तू ठीक कहती है बिटिया। लाइए रामायण दे दे। काका, हम इसे जरूर पढ़ेंगे। काका, इसको पढ़ के हमें बताना इसमें काका लिखा है। हम जरूर बताएंगे। काका, हम चलत हैं। ठीक है। अखबार में खबर छपी है हमारे प्रौढ़ शिक्षा स्कूल के बारे में, सुन लिया? हाँ, हम उन्हें आपसे पहले पढ़ लिया है। अटल जी ने बूढ़े लोगों के वास्ते क्या क्या देने का ऐलान किया है, पढ़े हैं आप? अरे हमका ना ही चाहिए भाई, हमका ना ही चाहिए। एक मिनट। अरे हमने छोड़ दिया एक मिनट, ये पैक पीले। अरे ना ही हमका ना ही चाहिए, हमारी आत्मा ना ही मानती है भाई। मैं चिकन तंगड़ी। अरे हमका चिकन विकन मुर्गी भुर्गी कुछ ना ही चाहिए भाई। आत्मा को भूल जा, दंगड़ी खा लेना ले। अरे हमका ना ही चाहिए भैया। अच्छा एक काम कर, तू पीना चाहता है तो तू पी, हम जाए। एक काम कर पार्टनर, मैं तेरे को ऑटो का पैसा दे। अरे हमका ऑटो का पैसा वैसा ना ही चाहिए, हम कहीं नहीं जावा थे। पी लेना तू, एक काम कर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ आवा आवा, बैठो बैठो, आराम से आराम। काका आराम से भैया।
डिसिप्लिन नहीं है। हम छोड़ दिए तो छोड़ दिए भैया, छोड़ दिए तो हमको का समझता है? तू हमारा दोस्त है, दोस्त तो हमारी बात सुनेगा? ये बहुत खराब चीज है। खराब चीज है? पैसा आवत है जावत है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कमबख्त चीज है। ये शरीर के साथ साथ ये आत्मा को भी बीमार कर रहा है। आत्मा को बीमार कर रहा है? ठीक, तू इसका छोड़ दे। छोड़ो, इससे पहले कि तुहार जान ले ले, तू छोड़ दे इसका। छोड़ दे, कहत है ना जौन पी शराब उका खाना खराब, छोड़ दे तू भैया। छोड़ दे तुहार बीवी बच्चन के खातिर छोड़ दे। अब तो कब पढ़ाएंगे हमको? पढ़ाए हम तो कब पढ़ाएंगे? अच्छा अच्छा किताब पढ़ाएंगे कब? कभी से तू कला कल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी? हाँ नक्की, हाँ तुमको पढ़ाएंगे कल से। चल अभी मैं उठू। ध्यान से, ध्यान से भैया। अरे एक मिनट संभल के, एक मिनट। सेठ जी आए थे? हाँ जी आए थे। कुछ कह रहे थे? आपको ड्राइवर के लिए याद दिलाने को कह गए हैं। ओ ड्राइवर प्रीतम, ठीक है। रामू। हाँ सर। प्रीतम जी नहीं दिखाई दे रहे? प्रीतम जी अभी कभी नहीं आएंगे सर। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि कल रात उनके एक्सीडेंट हो गया सर। एक्सीडेंट हो गया? हाँ सर, हाईवे पर आने टाइम सब बार बार बच्चे सब। ओह माय गॉड, तुम्हें उनका घर मालूम है? हाँ सर। चल मेरे साथ। हिम्मत रखिए माँ जी, माँ जी हिम्मत रखिए। तूने क्या किया ये भगवान? लक्ष्मी काकी, लक्ष्मी काकी, अभी हम सारी टोली वालों को बुलाकर लाते हैं। नहीं, नहीं।
अफसोस हुआ लक्ष्मी के दामाद का स्वर्गवास हो गया। अब जैसी प्रभु की इच्छा का कर, लक्ष्मी को भी मानना पड़ेगा जो एक बार सोच लिया कर दिखाया। हाँ, खुद अच्छे काम पर लग गई है और मोहन को भी अच्छे काम पर लगवा लिया है और उसका बचवा भी किसी दुकान पे काम पर लगा है। गौरी के लिए भी लड़का बहुत अच्छा मिल गया था और भाग बेचारी का पता नहीं गौरी का अब क्या होगा। अरे इसका तो इस घर में आना ही अच्छा नहीं लगा था मुझे। जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मेरे बेटे ने इसे देखा और पसंद कर लिया। अरे मेरा बेटा ही नहीं रहा। दिन रात माँ माँ करने वाला मेरा बेटा पलो माँ कहना ही भूल गया। न जाने क्या जादू कर दिया था उस पर इस कलमुए ने। अरे क्या बात करो तो मासी, नया नया लड़के लड़की का ब्याह हो तो एक दूसरे से चाव तो होता है ना मासी। अरे लड़की नहीं डायन है, वो डायन मेरे बेटे को खा गई वो। अरे मेरा बेटा ही नहीं रहा। देखो पार्वती, इसे कह दे मेरी नजर के सामने से हट जाए करके। मासी बात को समझने की कोशिश कर। अरे तुहार तो सिर्फ बेटा गया है मासी, तो तुझे इतना दुख होता है। अरे उस बेचारी का तो पति गया है मासी। अरे उसके दुख को समझने की कोशिश कर, उसे ढाढ़स बना। ऐसी हालत में तो उसे जली कुटी सुनाएगी तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी मासी। और मुझ पर जो बीत रही है उसे कौन समझेगा पार्वती? हाँ कौन समझेगा? अरे बुढ़ापे का एक ही तो सहारा था ना, वो उसे ही खा गई है। कहीं का नहीं छोड़ा इस कलमुई ने मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया इसने। अरे शांत हो जा मौसी, शांत हो जा। अरे उस लड़की को कोसने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। अरे हमी ने तो एक दूसरे का ढाढ़स बंधाना चाहिए। तू तो सयानी है ना मौसी। अरे दूसरों को समझा फिरत है, अब तो का हम का समझाए मौसी। बस समझने की कोशिश कर मौसी, ऐसा मत कर। हमारी तो बच्ची है, वो कहां जाएगी? तू तो सयानी है ना, मैं और कुछ नहीं कर सका। मैं जरा गौरी से मिलकर आवत हूं। नहीं बच्चे, इस तरह रोया नहीं करते। पगली कहेंगे। देख कमला मासी की बातों को बुरा मत मान। दुख में इंसान अपनों को ही तो कोसता है ना। अरे हंसते खेलते आसमान सर पर टूट पड़ा, सब कुछ बसाया अपने आंखों के सामने। इस तरह तहस नहस हो गए तो इंसान
पागल सा तो ही जाता है ना बच्चे मेरे, और हम तो एक दूसरे को ढाढ़स बंधाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। अपने आप को ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर, अरे उसका तो जवान जहान लड़का गया है, इस बुढ़ापे में उसको तेरे सिवा कौन सहारा है? देख, तुझे उसका सहारा बनना है। अगले अरे उसको तेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, उसको समझने की कोशिश कर। हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को कोस सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। अरे का दीनू भैया का बात है, एकदम चुपचाप दबे पांव आके बैठ गए। का बताएं, पहले तो एक ही कारण था ना दबे पांव आने का, डर रहता था कहीं तुम धुत ना हो। अब एक दूसरा कारण हो गया, डर रहता भाई कहीं पढ़ाई का खलल ना पड़ जाए। नहीं ऐसी बात नहीं। वैसे तुम्हारा पूजा पाठ का सामान नजर नहीं आ रहा है। कौन? हमारा मतलब है कि कुछ वो बोतल ग्लास वगैरह तुम्हारा। अब हमने दूसरा नशा शुरू कर दिया। ई लो, ये कहीं काफी नहीं था, ये दूसरा नशा कौन सा है भाई? किताब का नशा। किताब का नशा, हम ससुर समझे कोई और ही खतरनाक नशा चालू कर दिए हो। वो हमारा गोविंदा है ना। हाँ। वो हमका पढ़ा पढ़ा कर पढ़ा ही डाले, और वो रेणुका है ना, हमका हमारी राधा दिखती है वो। एक दिन एक छोटा सा रामायण लेकर हमारे पास आई, बैठकर प्यार से बोली, लो काका ये रामायण पढ़ो। हमने पढ़ना शुरू की, हमको बहुत अच्छा लगी, पढ़ना शुरू कर दिए। फिर शराब के बारे में पढ़कर जानी, कमबख्त एकदम खराब चीज होती है, तो छोड़ दिए भैया। तो भैया कमाला ही हो गया, कमाला ही हो गया। भैया जो नशा किताब में है वो शराब में नहीं। पहले हमसे कोई पूछता कि किताब का चीज होती है, तो हम ही कहते कि किताब बहुत अच्छी चीज होती है, उसके पन्ना को फाड़कर पकौड़े रखकर खाए जाते। लेकिन अब हमरे से कोई पूछे कि किताब का चीज होती है, तो हम ही कहेंगे कि भाई किताब वो चीज होती है जो सही मानों में इंसान को इंसान बनावत है। भैया ऐसा है कि तुम्हारी बातें सुनकर हमको बहुत अचरज हो रहा है और थोड़ा डर सा भी लग रहा है। का है भाई? तुम तो साधु संतन जैसी बातें करने लगे हो यार। हैं? भाई दो चार किताब तुम भी ले जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, तो तुम भी ज्ञानी जैसी साधु संतों जैसी बातें करो। हम ससुर कहाँ पढ़ेंगे अब। हमने तो जितने 5,000 रुपए में से पैसे बची रही वो सबका किताब खरीदी। तो का छोड़कर सब हमसे किताब उधार ले जाते हैं पढ़ने के लिए, और खूब पढ़त है। हाँ कह रहा, एक दूसरे को बतावत नहीं है, कौनो मजाक उड़ा इसलिए डरत है। तो भाई चालाक हो गए हैं। सुनो, हम पढ़ना चाहते भाई, किसी से कहना नहीं, कल हम तुम्हारे घर आएंगे, वैसे किताब ले लेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। अरे तू चाही तो अभी ले जाओ, ये लियो। अब भाई अरे कल करे सो आज, कल आज करे सो अब। ये सही कहा, बहुत सही कहा। अब देखो हम भी कैसा पढ़ना शुरू करते हैं, खबर नहीं लगने देंगे। चलते हैं हम। हा? किसी से कहना नहीं है। हाँ भैया, हम पढ़ लेंगे तो पता चला ही जाएगा सब, ठीक है। जय राम जी। जय राम जी। तुम्हारा मतलब है वो रेफरेंस बुक? लेकिन उसकी क्या जरूरत है विक्रम, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए तो टेक्स्ट बुक ही काफी है, तुम वो क्यों नहीं पढ़ते हो?
जिस तरह लोगों की नजर बीए और बीकॉम की डिग्री पर रहती, डिग्री से नौकरी तो मिल जाती, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ग्रेजुएट कराने का तभी कुछ मीनिंग है जब उस लेवल का नॉलेज हो, और नॉलेज के लिए मुझे तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या मेरे इस रास्ते पर तुम चलना पसंद करोगे? मैं तो रास्ते पड़ी एक बेकार सी चीज था जिसे तुमने उठा लिया और एक अच्छा मुकाम दिया। मुझे तुम्हारी हमेशा जरूरत रहेगी। सच विक्रम, क्या तुम सच कह रहे हो? इस लड़के ने शादी में ही जरूरत से ज्यादा खर्चा करवा दिया था, ऊपर से लड़की वाले का बोझा भी अपने सर पर ले लिया। शादी के दो चार रोज बाद ही कुछ कर्जा लिया और एक फ्लैट खरीदा। बाद में ये खरीदो वो खरीदो, यहाँ जाओ वहां जाओ, सेठ से एडवांस लिया और कर्जा ले लेकर लौटाता रहा, और मुझे मुझे यहाँ कर्जा चुकाने के लिए छोड़ गया। जिस ट्रक से उसकी टक्कर हो गई थी, हाँ अगर उस ट्रक के मालिक ने कुछ पैसे दिलवाए तो कम से कम मैं अपने आप को तो संभाल सकूंगी, इसे तो पाल सकूंगी, कम से कम ये जो कर्जे है ना उसे तो उतार सकूंगी। ये बात भी ठीक है, और क्या पता उस ट्रक वाले से पैसा मिले ना मिले, और ऊपर से अदालत के फेरे भी हैं, और ये भी नहीं बता सकते कि फैसला क्या होगा। देखिए अब अगर मेरे मुंह से कुछ भला बुरा निकले ना तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अरे लेकिन मैं इसे दोषी ठहरा रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज अगर ये पढ़ी लिखी होती तो मुझे नहीं कम से कम अपने आप को तो पाल सकती थी, अच्छे से नौकरी तो ले सकती थी, इसकी माँ मेहनत मजदूरी कर सकती है लेकिन ये नहीं कर सकती। लो कर लो बात, अरे फिर करेगी तो ये क्या करेगी? अरे माजी औरत जाते अकेली बेचारी कहाँ जाएगी, ये बता तुम्हार सेवा करेगी, और हम है ना उसको कहीं ना कहीं तो नौकरी लगा देंगे, कमाएगी पैसा भी ला के देगी। देखो जी मुझे ना उसकी सेवा चाहिए और न कमाई, मेरी राय यही है वो अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाए। कहाँ? उसकी माँ भी बड़ी तेज है, अपने जैसे किसी मजदूर के साथ, हाँ भले ही वो उम्र में बड़ा ही क्यों ना हो, उसके साथ उसकी शादी भी करवा दे तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। अरे का कहत हो मौसी, अरे ऐसा कैसे हो सकत है? ऐसा ही होगा और इसी में सबकी भलाई है। हाँ इस कन्हुए की वजह से पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। मौसी हम यहाँ नहीं रहेंगे, मौसी हमको यहाँ से ले चलो, हम यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे, यहाँ की हर चीज हमको उनकी याद दिलाती है। अरे सासू माँ न जाने क्या बोलती रहती है, हम नहीं सुन सकते, अब परेशान हो गए हम सब जाना थे बेटी। मौसी हमको ले चलो नहीं तो हम कह देते हम फांसी लगा लेंगे। मौसी नहीं बेटे ऐसे नहीं कहते, शुभ शुभ ऐसे नहीं कहते, किसी नहीं कहते। पता नहीं तुम्हारे आने के पहले क्या क्या कह रही थी, हमको मारा भी मौसी उन्होंने। हम सब जाना थे बेटे, अब तू यहाँ नहीं रहेगी तो हमारे साथ चलेगी, चल उसको भी तो पता चलना चाहिए, मरने के बाद कोई पानी डालने वाला ना हो ना तो उसे पता चलेगा। तू चल हमारे साथ, चल बेटी। मुसीबत जब आवत है तो हर तरफ से आवत है, गौरी के संग ऐसा अनर्थ हुआ, हमरा तो कोनो काम में दिल नहीं लागत है। ठीक है जहां हम काम करत है वो लोग अंग्रेजी नहीं बोलत, पर हम का करे, हम तो अनपढ़ गवार ठहरे, वो लिस्ट में सब पर अंग्रेजी में लिखा रहता है। हम दाल का डब्बा खोलने जाते हैं तो गेहूं निकलते है, गेहूं का डब्बा खोलने जाते हैं तो दाल निकलते है, अब ऐसा में हम कैसे काम करें? वो लोग हमको हकाल दे, इससे अच्छा है कि हम काम नहीं करेंगे। जरा ये तो सोच
इतने बड़े परिवार का खर्चा अकेले मोहन जीजाजी कैसे संभाल पाएंगे? हाँ कहा जीजाजी, ना तो इसने मेरी सुनी है ना सुनेगी, इसको जो करना है वो करे। मेरा काम है मेहनत करना और जो कुछ भी मजूरी मिले इसके हाथ में रख देना। देख लक्ष्मी, जो भी तूने कहा मैंने करके दिया, अब आगे जो भी तू कहे मेरे बस में हुआ तुम्हें वो भी करने को तैयार। मौसी अगर हो सके तो हमें भी काम दिलवाओ, हम अब किस पर बोझ नहीं बनना चाहते बल्कि अपने भाई को पढ़ाना चाहते लिखाना चाहते। हमरी माँ ने हमरे लिए एक लड़का तो ढूंढा पर कभी हमको पढ़ाने का नहीं सोचा, और इसीलिए हमरी सासू माँ हमें टोकती थी, जो मन में आए कहती थी। हमें तो लगा था कि लड़का जाने के बाद हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, गले से लगा कर रखेगी, पर नहीं, वो तो सोचती हम कुछ कर ही नहीं सकते, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल लक्ष्मी, क्या करना चाहते हैं? हम अपने लोगन में वापस जाना चाहते हैं। हमें ज्ञान दो, हम ज्ञान दे, अक्षरदान दो, अक्षरदान दे। बालक हो या प्रौढ़ हो है सब शिक्षा के हकदार, फैलाए प्रकाश हर दिशा दूर करे अंधकार। माये वर दो कर डाले हम ये सपना साकार, हो शिक्षित बाल नर नारी भारत बने महान, भारत बने महान।